सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल PB Vlog। मेरा नाम है पल्लव इत बिस्ट और आज मैं जा रहा हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस का पहला एग्जाम देने, मतलब G1 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने। तो लेट्स गो। तो गाइज मैंने डाउनटाउन से 1N नंबर की बस पकड़ी और मैं आया मॉन्ट्रोस पे। तो यहाँ मतलब ये वो जगह है जहाँ पर आपको ड्राइव टेस्ट सेंटर मिलता है और यहाँ आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो अब चलते हैं हम ड्राइव टेस्ट सेंटर की तरफ। तो गाइस इस मशीन से आपको अपना टोकन नंबर लेना होगा, फिर अंदर घुसते ही आपको इन स्क्रीन्स पे अपना टोकन नंबर फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा। जब ऐसा हो तो आपको उस काउंटर पर जाना है। यहाँ पर ये लोग आपकी आई साइट चेक करेंगे, फिर एक मशीन से ये लोग आपकी फ़ोटो खींचेंगे और ये वो रूम है जहाँ वो आपका टेस्ट लेंगे। सो गाइज दिस इज हाउ आई गॉट माई G1 ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि कैनेडा का लर्नर लाइसेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि G1 देने के बाद अब आप G2 एग्ज़ाम G2 टेस्ट देते हैं और G2 देने के बाद आपको G लाइसेंस मिलता है, जो कि ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो मेन ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैच है। अगर आप चाहते हैं कि आप G2 टेस्ट दिए बिना डायरेक्ट G लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएँ, इसके लिए आप अपनी होम कंट्री से DL एक्सट्रैक्ट, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट होता है, वो लेके आ सकते हैं। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरे केस में मैंने क्या किया था कि मैं अपनी होम कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके आ गया था, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का जिक्र किया गया था। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक्चुअली आपको एक टेम्प्रेरी ड्यूरेशन के लिए व्हीकल चलाने की परमिशन देता है किसी फॉरेन कंट्री में। बट अगर आप एक फॉरेन कंट्री में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली जो मेन ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिल जाए, तो उस केस में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं बल्कि ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप अपनी होम कंट्री से ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं, जो ये बताता है कि आपने 3 या 4 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में लिया है, तो आपको G2 दिए बिना सीधा G देने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आपका काफ़ी टाइम और काफ़ी पैसा बच जाता है और आप सीधा जो कनाडा का मेन ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट दैट, अपनी होम कंट्री से कनाडा आने से पहले अपना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट ज़रूर निकाल लें। अगर आपने नहीं निकाला है तो कनाडा आने के बाद आपकी होम कंट्री की जो भी ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट है, जैसे कि इंडिया के केस में परिवहन sarthi.gov.in और parivahan.gov.in करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस लिंक पर जाकर कनाडा में बैठे बैठे भी अपना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके होम एड्रेस पर पहुँच जाएगा, मतलब इंडिया में। और फिर वहाँ उस होम एड्रेस पे जो भी आपके रिश्तेदार या आपके पेरेंट्स अगर कोई रहता है वहाँ पर, तो दे कैन कुरियर दैट DL एक्सट्रैक्ट टू योर कैनेडियन एड्रेस।
तो इस तरह से भी आप अगर चाहें तो अपना DL एक्सट्रैक्ट कनाडा मंगा सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट DL एक्सट्रैक्ट अपने साथ जरूर लेके आइएगा, ठीक है। सो नाउ आई होप यू ऑल लाइक माई दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड लाइक माई वीडियो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि किसी ना किसी के काम जरूर आएगी। And stay tuned for my more upcoming videos. Till that time, have a great day.